नमस्कार, मैं हूँ सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी, तीन दिनों पहले ये खबर आई सामने कि अरुण कुमार, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और पूर्व सांसद रह चुके हैं एनडीए के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर सबके अंदर एक कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि आखिर क्या हो गया कि अरुण कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। जरा इसी सिलसिले में हम आज उनसे बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे साथ अरुण जी मौजूद हैं, इनसे जरा जानते हैं कि आखिर क्या हुआ कि उन्होंने चिराग का साथ छोड़ दिया, या सच में चिराग ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। क्या वास्तव में चिराग ने आपके साथ धोखाधड़ी की थी सर? देखिए, मैं बिना शर्त पार्टी मर्ज किया था जी। तो मैं राजनीतिक जीव हूँ, जिस तरह के लोग पार्टी में लड़ाए गए ये कोई शहीदी दस्ता नहीं थे। यदि उसमें अच्छे लोग लड़े हुए होते तो मैं कोई चार्ज नहीं करता और पार्टी के लिए काम करता रहता। लेकिन यह एक से एक धन पशु को ला करके चुनाव लड़ाया गया और बिहार को यही धन पशु यदि आगे ले जाना चाहते हैं तो मुझे एतराज़ हुआ और मुझे पीड़ा हुई कि कल भी मैं काम नहीं कर सकूँगा जिस उद्देश्य आया था, और बहुत ऐसे अराजक तत्वों को झेल रहा था, उस पीड़ा को झेल रहा था। लेकिन फिर भी चिराग में मेरा इंटरेस्ट था, विश्वास था, तो मेरा विश्वास टूटा और मैं अलग हो गया जी। और पार्टी से अलग होना मेरा लाजमी था। अच्छा, चिराग तो आपको हमेशा अभिभावक कहते थे, किसी भी मंच पे जाएं तो वो हमेशा ये कहते थे कि आप उनके अभिभावक हैं, काफ़ी तारीफें करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस तरह से चीज़ें? अब महसूस हुआ कि मुझे अभिभावक और पिता तुल्य कह करके मुझे बेवकूफ़ बनाया, उनके दिल में जरा भी जगह नहीं था मेरे लिए। और जब मेरा दिल टूट जाता है तो ये जुटता नहीं। चिराग से जब पत्रकारों ने सवाल किया था कि नीतीश कुमार को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, तो इस पे चिराग कहते थे कि नहीं, नीतीश कुमार को भले कोई भी रत्न मिल जाए लेकिन उन्हें बिहार छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहीं अब उनका हाथ थामे बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि पलटू चाचा की तरह वो भी पलट गए? ये अब उनका विषय है, उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं इसलिए उन पर कोई इतना ही कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इतना ज़रूर है कि दिल टूट गया जी। और मैं जो भविष्य देख रहा था उनके अंदर बिहार का, वो तो तत्काल मुझे अंधकार ही अंधकार दिखता है। आपने उनका हमेशा साथ दिया है, जब उनके चाचा जी उनका हाथ छोड़ के चले गए थे, उनका साथ छोड़ दिया था उन्होंने, तब भी आपने उनका हाथ पकड़ा, उनको समझाया, उनको अपने साथ रखा। ऐसे में आपने उनकी पार्टी में अब विलय भी हो गई, और ऐसे में फिर आपके साथ इस तरह धोखाधड़ी हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप आगे? अब साथियों की एक बैठक कल बुलाया है जी। यहाँ जो निर्णय होगा उसी के हिसाब से फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा जी। तो क्या जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे? अब ये कल के बैठक में तय हो जाएगा। कहा जा रहा था कि आप निर्दलीय या फिर बसपा से भी आपकी बातें सामने आ रही थी कि नहीं? सारा भविष्य में है, भविष्य के गर्त में है, कल के बैठक के बाद रास्ता प्रशस्त होगा जी। यानी कल के बैठक के बाद ही आप डिसीजन लेंगे कि आखिर क्या करने वाले हैं आगे। लेकिन जिस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी की गई है, क्या लगता है कि चिराग इस तरह से मतलब आगे चल पाएंगे, जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए हैं? अब ये उनका कौशल जो स्ट्रेटजी का है, वह उनको आगे ले जाए, ऊंचाई पर ले जाए, वो प्रधानमंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन वही आप कहते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उनके चाचा कहते हुए दिखाई देते हैं कि चिराग जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता। इस पर अपने बारे में भी सोचते तो ऐसा नहीं करते, अपने बारे में भी अच्छा सोचते तो ऐसा नहीं करते। मैं समझ रहा हूँ कि अपने बारे में भी वो अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो क्या अगर आप उनके साथ रहे हैं या फिर आपको टिकट मिल जाए तो फिर सही सोच रहे हैं? अब तो सोच से ही आदमी एक्शन लेता है जी। सोच गड़बड़ है तभी तो ये सब हो रहा है। मेरे टिकट मिलने ना मिलने से नहीं, ये आम पब्लिक डोमेन में हुआ कि ये डिसिसिव व्यक्ति नहीं है, और बिहार के कंटेक्स्ट में, मूल्य के कंटेक्स्ट में, विचार के कंटेक्स्ट में ये फेलवर है जी। जब से एनडीए गठबंधन बना है ना, मिलने का सवाल नहीं है। मैंने कहा ना, उसमें दो चेहरे थे पॉलिटिकल जी, जिनकी पहचान थी,
अरुण कुमार और रेणु कुशवाहा जी, ये दोनों वंचित हो गए। हमको नहीं मिला था, रेणु जी को मिलता तब भी लगता कि नहीं कुछ बचा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को दिया गया, उनका रिप्लेसमेंट जो हुआ, ये हो सकता था कि यदि इनके कोटे में भी रहता तो अब तो डाउट है। उनके लोग कहते थे जी कि उनके लिए थोड़े टिकट आया है, उस पीरियड में भी यही कहते थे जी। और मैंने महसूस भी किया, उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिलता, आज मैं महसूस कर रहा हूँ। वो भी टिकट उन्हीं लोगों को मिलता जो कोई मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाया जी। एनडीए गठबंधन में वैसे भी नवादा का टिकट बीजेपी के पास चला गया, वहीं जहानाबाद का टिकट जदयू के पास चला गया, तो वैसे भी चिराग के पास एक तरीके से कुछ बचा नहीं, तो फिर क्या कहेंगे इस बार? तो इसीलिए तो समस्तीपुर का टिकट जेडीयू को मिल गया जी, समस्तीपुर का टिकट जेडीयू को मिल गया, और वैशाली का टिकट पारस जी को मिल गया जी। और कुछ जानना चाहते जी? पशुपति पारस तो वैसे भी अब दूरी हो चुके हैं इस पूरे मुद्दे से, इसीलिए कह रहे हैं उन्हीं के उम्मीदवार चले गए हूँ जी, जिसके बारे में क्या क्या नहीं किया कहा है चिराग पासवान जी। मेरे बारे में कुछ भी थोड़ा पहले कहे रहते तो हम सतर्क हो जाते, वो इन्हें सतर्कता नहीं हो पाई, क्योंकि वो हमेशा मीठी क्या कहा जाता है, वो एड़ा बन के पेड़ा खाना वाला कॉन्सेप्ट तो क्या वैसी ही चीज़ें देखने को सामने आ रही है क्या, एड़ा बन के पेड़ा खाएं या फिर मीठा बन के सबको जहर देने वाला कॉन्सेप्ट? अब कुछ तो ऐसा ही हुआ है, यानी ऐसा ही चीजें आपके साथ भी हो गई हैं जिस तरीके उनके चाचा के साथ हुआ था। बिल्कुल। तो आपने सुना कि अरुण कुमार जी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि चिराग ने क्यों धोखा दिया है, क्या चीजें हुई हैं इन सब चीजों के बीच में, सब बताया उन्होंने। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।